माननीय सदस्यगण, मुझे कहीं माननीय सदस्यों से नियम 55 के अंतर्गत अल्पकालिक चर्चा तथा नियम 54 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण और नियम 107 के अंतर्गत प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। आज उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी है तथा आज ही इसे पारित किया जाना है। अतः कार्य सूची में सूचीबद्ध विषयों के अलावा किसी अन्य विषय पर चर्चा करना संभव नहीं होगा, इसलिए मैं इन सूचनाओं को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ। माननीय सदस्यगण, दिनांक 18 जनवरी 2023 को प्रतिपक्ष के सभी सदस्यों ने सदन में हंगामा किया और बोतलों में पानी दिखाकर यह आरोप लगाया कि यह यमुना नदी का पानी है और यमुना खतरनाक रूप से प्रदूषित हो गई है। विरोध प्रदर्शन करने वाले सदस्यों ने उन बोतलों को मेरी मेज पर रख दिया। मैंने उस दिन व्यवस्था दी थी कि बोतलों की जांच के लिए दिल्ली जल बोर्ड के पास भेजा जाएगा। मैंने यह भी कहा था कि दिल्ली जल बोर्ड के अलावा कोई अन्य बाहरी एजेंसी भी बोतलों के पानी की जांच करे। मैंने भी निर्देश दिया था कि दिल्ली जल बोर्ड भी यमुना के पानी की जांच करवाए। दिनांक 19 जनवरी 2023 को पानी की बोतलें दिल्ली जल बोर्ड को भेजी गईं। उनके सैंपल की जांच दिल्ली जल बोर्ड और CSIR नीरी द्वारा की गई। दिल्ली जल बोर्ड के CEO को रिमाइंडर जारी करने के बाद दिनांक 7 मार्च 2023 को रिपोर्ट विधानसभा सचिवालय को भेजी गई। हालांकि उन रिपोर्ट को देखने के बाद मैंने दिल्ली जल बोर्ड को इस संबंध में रिपोर्ट भेजने के लिए कहा। दिल्ली जल बोर्ड की विस्तृत रिपोर्ट दिनांक 15 मार्च 2023 को तब प्रस्तुत की गई जब मुझे इस मुद्दे पर मीटिंग के लिए दिल्ली जल बोर्ड के CEO को बुलाना पड़ा। इन रिपोर्ट में बहुत स्पष्ट ढंग से बताया गया कि बोतलों का पानी यमुना का नहीं था बल्कि एक सेकंड में बात कर रहा हूं, बल्कि पीने का पानी था और उसमें कुछ काला पदार्थ मिलाया हुआ था। यह बहुत गंभीर मामला है। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि विपक्ष के सदस्यों को अनावश्यक सनसनी पैदा करने और सदन को गुमराह करने से आखिर क्या हासिल हुआ। विपक्ष के सदस्यों ने दिल्ली के लोगों में दहशत और अशांति फैलाने का प्रयास किया। तो रिपोर्ट तो सुन लेने दो सदन के सदस्यों को। रिपोर्ट मुझे पढ़ने में दीजिए, ठीक नहीं है बात। रिपोर्ट सुनाई नहीं दे रही है किसी को आपके हंगामे के बीच में। विपक्ष के सदस्यों ने दिल्ली के लोगों में दहशत और अशांति फैलाने का प्रयास किया और मुझे बेहद दुख है कि इस कार्य के लिए इस प्रतिष्ठित सदन का दुरुपयोग किया गया। सदन में नियमों का उल्लंघन करके दिनांक 18 जनवरी 2023 को पानी की बोतलें लाने और प्रदर्शित करने वाले सदस्यों के आचरण के संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए मैं इस पूरे मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपता हूं। समिति को इस बारे में भी रिपोर्ट देनी चाहिए कि इस मामले में कौन कौन शामिल थे और पानी कहां से लाया गया। इसके अलावा मैंने अनुभव किया है और ऐसा प्रतीत भी होता है कि दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट देने में विलम्ब करने और उसे दबाने का प्रयास किया गया। समिति को भी इसकी जांच करनी चाहिए और इस बारे में रिपोर्ट देनी चाहिए। क्या जानबूझकर ऐसा करने का प्रयास किया गया था? रिपोर्ट एक महीने के अंदर प्रस्तुत करनी होगी। हाँ, रिपोर्ट एक सेकंड बैठ जाइए, एक सेकंड बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, कोई बात नहीं। ये जो रिपोर्ट है सदन के तल पर माननीय सदस्यों में वितरित कर दी जाए। माननीय सदस्यगण, विषय सुने, बिजली जी आपके लिए उचित नहीं है, आपके लिए उचित नहीं है। हम अपनी बात कर रही है, समिति को भेज दिया, समिति को दीजिए। मैंने मैं कुछ नहीं सुना चाहता, मैंने समिति को रेफर कर दिया। नो कमेंट्स एट ऑल। जो 200% जो
आप रखना ना, आप समिति के सामने रखना, आप मोहन सिंह जी आप समिति के सामने रखना, आप समिति के सामने रखना, जो रिपोर्ट है समिति के सामने रखना ना, ठीक है, मत रखिए। अभय वर्मा जी, अभय वर्मा जी पढ़िए, मैंने QAG में दिया, QAG में आपका नाम है, मैं नहीं ड्रॉप करता हूँ अगर पढ़ना है, QAG में अभय वर्मा जी, आप पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, नहीं पढ़ रहे हैं तो मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, QAG श्री अभय वर्मा जी, अभय वर्मा जी, अभय वर्मा जी आप पढ़ना है, आखिरी बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अभय वर्मा जी मैं आखिरी बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आदरणीय अध्यक्ष जी बोलने दीजिए, आप पढ़िए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे 280 के तहत लक्ष्मीनगर के मंडावली क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक लोकहित का समस्या रखने का अवसर दिया है। माननीय अध्यक्ष जी बातचीत नहीं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान अपने विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मीनगर के अंतर्गत मंडावली स्थित डिस्पेंसरी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस डिस्पेंसरी के भवन की हालत अत्यंत जर्जर होने के कारण यहां से हटाकर कहीं दूर दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया गया। इस डिस्पेंसरी के अलग अलग विभागों में बांटकर इसे अलग अलग जगह स्थानांतरित कर दिया गया। बेहतर होता कि इसे पुरानी डिस्पेंसरी के पीछे नगर निगम के खाली भवनों में स्थानांतरित किया जाता, इससे मंडावली के लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। जब तक पुराने भवन के स्थान पर नया भवन नहीं बनता तब तक इसके सभी विभागों को नगर निगम के खाली भवनों में स्थानांतरित किया जाए। इस पुरानी डिस्पेंसरी को समाप्त करके इसे पॉली क्लिनिक में बदलने का प्रस्ताव दिल्ली सरकार के पास लंबित है। डिस्पेंसरी को कहीं दूसरी जगह स्थानांतरित करने से लोगों को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। अध्यक्ष जी पिछले 2 वर्षों से जल्द पॉली क्लिनिक बनाने का वायदा सरकार कर रही है, यहां तक कि बजट भी मिल चुका है, पर काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। अध्यक्ष जी आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि लोगों की समस्याओं को देखते हुए जनहित में मंडावली स्थित पुरानी डिस्पेंसरी के भवन के स्थान पर जल्द से जल्द नए भवन का निर्माण कराया जाए और इसमें शीघ्र अतिशीघ्र पॉली क्लिनिक चालू किया जाए ताकि वहां के स्थानीय लोगों को जल्द से जल्द कहीं और अधिक से अधिक चिकित्सा सेवा का लाभ मिल सके। मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी का सदा आभारी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। विजेंद्र गुप्ता जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से दिल्ली सरकार का ध्यान दिल्ली कौशल और उद्यमिता विश्वविद्यालय DSEU में फीस में की गई भारी बढ़ोतरी की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। भारी फीस वृद्धि के कारण DSEU में 2500 से अधिक सीटें खाली पड़ी हैं। सरकार द्वारा गैर जिम्मेदार तरीके से DSEU के रीब्रांडिंग के विज्ञापनों पर भारी खर्च किया गया। इस सब के बाद भी सीटों का खाली रहना चिंता का विषय है। छात्र कौशल सीखना चाहते हैं किंतु अप्रत्याशित तरीके से सरकार द्वारा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए फीस को 400% की वृद्धि दर से बढ़ाकर अचानक 6,000 रुपये से 24,000 रुपये तक कर दिया गया। वहीं BTEC और MTEC पाठ्यक्रमों के लिए भी फीस 500% से अधिक बढ़ाकर 35,000 रुपये से 1,81,500 रुपये कर दी गई। समाज में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को उच्च शिक्षा से वंचित किया जा रहा है और उच्च शिक्षा का पूर्ण रूप से व्यवसायीकरण किया जा रहा है। सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। रीब्रांडेड कौशल विश्वविद्यालय के विज्ञापनों पर दिल्ली सरकार द्वारा किए गए भारी खर्च के बावजूद पाठ्यक्रमों में नामांकित छात्रों की संख्या उल्लेखनीय रूप से कम है। मान्यवर, ध्यान देने योग्य बात यह है कि मौजूदा सत्र पहले ही शुरू हो चुका है, 2500 से अधिक सीटें अभी भी खाली पड़ी हैं। गरीब छात्रों के भविष्य पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। गुणवत्तापूर्ण कौशल भारत की युवा शक्ति के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। सरकार को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि सभी छात्रों को, चाहे उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी भी क्यों ना हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अवश्य मिले।
मैं आपके माध्यम से दिल्ली सरकार से दिल्ली कौशल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय में सरकार द्वारा फीस में की गई भारी वृद्धि के कारण सीटों की उच्च मांग के बावजूद खाली रह गई सीटों के मुद्दे को हल करने का अनुरोध करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, ये बहुत ही चिंता का विषय है और जो DSU जो बनाया गया, आपसे मैं अनुरोध करूँगा कि एक कमेटी बनाकर इसकी पूरी जांच कराएं, वहाँ स्थिति क्या है। पूरा क्योस हो गया है ना, वहाँ पॉलीटेक्निक जो थे वो रहे हैं, ना DSU का कोई नया पाठ्यक्रम प्रारंभ हो पाया है। पूरा क्योस हो गया है, सैकड़ों करोड़ सरकार ने उसके रेनोवेशन पर खर्च कर दिए लेकिन उसका ना लाभ मिला बल्कि सीटें और कम रह गई, कम हो गई, बच्चों ने दाखिला कम लिया, जबकि सरकारी जो पाठ्यक्रम है, जो व्यवस्था है, उसमें लोग पहले जाकर दाखिल लेते हैं लेकिन फीस ही इतनी बढ़ा दी गई। तो मेरा आपसे अनुरोध है, आपके माध्यम से, सरकार से, मंत्री महोदया से, कि वो इस पर तुरंत संज्ञान लें और इसको तुरंत दुरुस्त किया जाए, फीस को फिर से वापस कम किया जाए और सीटों को भरा जाए। धन्यवाद। श्री मोहन सिंह ब्रिज जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान करावल नगर विधानसभा क्षेत्र की ओर पेयजल की भयंकर समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, ये बिल्कुल सत्य है, जल ही जीवन है, लेकिन करावल नगर विधानसभा क्षेत्र की आबादी और उसके बराबर मुस्तफाबाद विधानसभा की आबादी, मैं वोटिंग के आधार पर बताना चाहता हूँ, 8 लाख के करीब है। और करावल नगर विधानसभा में पानी आपूर्ति की बहुत भयंकर समस्या बनी हुई है। सर, मैं एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, करावल नगर विधानसभा के अंतर्गत वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बने हुए हैं, सोनिया बिहार, भागरथी बिहार, ये करावल नगर के अंतर्गत और मुस्तफाबाद विधानसभा के अंतर, इन्हीं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पानी की सप्लाई होती है। अध्यक्ष महोदय, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि करावल नगर की जनता को पीने के पानी के लिए, एक एक बूंद के लिए क्षेत्र की जनता तरस रही है। जल बोर्ड के अधिकारियों से बार बार निवेदन करने के बाद भी पानी की आपूर्ति को बढ़ाया नहीं जा रहा है। यही नहीं, जिन दो विधानसभाओं को पानी की सप्लाई की जाती है वहां सिर्फ 2.5 MGD पानी की आपूर्ति की जा रही है, और जबकि उन क्षेत्रों के लिए 8 से लेकर 10 से लेकर 12 MGD पानी की उपलब्धता होनी चाहिए। मेरा आपसे करबद्ध प्रार्थना कि सरकार बार बार कहती कि 24 घंटे हम पानी की उपलब्धि कराएंगे, लेकिन मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर सिर्फ आधा घंटा पानी आता है और आधा घंटे के बाद भी पानी फिर से सप्लाई बंद हो जाती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि करावल नगर विधानसभा क्षेत्र में पीने की पानी की आपूर्ति को तुरंत बढ़ाया जाए जिससे जनता प्यासी ना रहे। मुझे आपने बोलने का समय दिया, आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। शिवचंद गोयल जी। धन्यवाद अध्यक्ष, आपने मुझे 280 में बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान पूरे मेरे निर्वाचित क्षेत्र मोती नगर विधानसभा की ओर करना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, ये जो गंभीर समस्या है आज मैं सदन में रख रहा हूँ, ये मेरे विधानसभा की नहीं पूरी दिल्ली की समस्या है। आज पूरी दिल्ली में 72 लाख राशन कार्ड लाभार्थी हैं और मोती नगर विधानसभा की लगभग 35% जनसंख्या
क्लस्टर में रहती है। जब से नोटबंदी हुई है, जीएसटी लागू हुआ है, तब से सभी की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई है और उनका जीवन यापन करना बहुत कठिन हो रहा है। मेरे क्षेत्र मोतीनगर विधानसभा में और पूरी दिल्ली में गरीबों को मुफ्त राशन दिया जाता था, उसमें एक योगदान प्रधानमंत्री राशन योजना का था और दूसरा योगदान मुख्यमंत्री राशन योजना का था, जिसमें जनता को 5 किलो प्रति व्यक्ति उन्हें प्रधानमंत्री राशन से दिया जाता था और 5 किलो प्रति व्यक्ति मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से प्राप्त होता था। परंतु 2023 जनवरी से प्रधानमंत्री कोष द्वारा राशन बंद कर दिया गया और अब उन्हें सिर्फ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा मुफ्त राशन प्राप्त हो रहा है, जिसके कारण मोतीनगर विधानसभा और दिल्ली की जनता बहुत परेशान है। अध्यक्ष जी, जहाँ पर हम राशन के माध्यम से पूरी पूर्ति करते हैं, वहाँ पर राशन बंद कर दिया गया। अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूँ, पूरे संसार में एक तालिबान आतंकवादी संगठन है जिसने हमारे हवाई जहाज को कंधार में हाईजैक करके सैकड़ों लोगों को बंदी बनाया था और उसमें हमारे पैसेंजर की हत्या भी की थी। उस आतंकवादी संगठन को फरवरी 2000 के बजट में सैकड़ों करोड़ रुपए की सहायता बजट में दी जा रही है और हमारी दिल्ली का गरीबों का राशन बंद किया जा रहा है, तो दिल्ली की जनता प्राथमिकता है या तालिबान? तो ये एक गंभीर इशू है। मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि गरीबों का राशन बंद ना किया जाए। चलिए चलिए, आप अपना पढ़िए, आप अपना पढ़िए पढ़िए, इस तरह राशन पूरा करिए, आम आप पूरा करिए, द्वारा शुरू किया जाए, आम आदमी को राहत मिले। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। श्री संजीव झा जी, इस पर चर्चा नहीं है, बिल्कुल कोई चर्चा नहीं है, इस पर कोई नियम नहीं है, नहीं कोई चर्चा नहीं है। चलिए संजीव झा जी, बहुत धन्यवाद अध्यक्ष। 280 में आप भी बोलते हैं, तथ्यों से परे चीजें होती हैं। चलिए, आपका ही समस्या उठा रहे हैं अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं कि दिल्ली में जो दिल्ली के विधायक हैं या भूतपूर्व विधायक हैं या दिल्ली सरकार में जो कार्यरत या सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, वो कहो अगर आप आपातकाल की स्थिति में बाहर जाते हैं और बीमार पड़ते हैं तो उनको वहां जो इलाज कराते हैं उसके बाद जो रिम्बर्समेंट होता है उसमें बहुत काटछाँट रिम्बर्समेंट होता है और इससे बहुत नुकसान होता है सभी अधिकारियों का। डीजीएचएस में ये प्रावधान है कि अगर कोई बाहर जाए और बीमार पड़ जाए तो उसका इलाज डीजीएचएस अस्पतालों में वहाँ के इंपैनल रेट पे किया जाता है, क्या जाना चाहिए, लेकिन कभी स्वास्थ्य विभाग ने इसका संज्ञान नहीं लिया जिससे आर्थिक नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। तो इस संबंध में मेरा आपसे यही अनुरोध है और आपके माध्यम से स्वास्थ्य विभाग को भी मैं जानकारी देना चाहता हूं, मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, कि अगर कोई बाहर जाता है, इस तरह के जो मेडिकल लाभार्थी हैं अगर वो बाहर जाते हैं तो चाहे आपातकाल की स्थिति हो या नॉर्मल स्थिति हो, उनका इलाज जो इम्पैनल रेट है उसी इम्पैनल रेट पर किया जाए। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के जो HOD हैं उसकी एक आप मीटिंग बुला लें और उनको निर्देशित करें ताकि ये जो आर्थिक नुकसान यहाँ के लोगों को हो रहा है वो आर्थिक नुकसान ना हो। धन्यवाद। देते थे DGHS में, लेकिन कोविड के बाद उन्होंने कैशलेस फैसिलिटी बंद कर दिया है। अगर मान लीजिए किसी माननीय सदस्य के परिवार में कोई व्यक्ति बहुत सीरियसली बीमार
में जमा करो तभी इलाज कराएंगे। अब किसी के पास 1 लाख नहीं होगा तो क्या इलाज नहीं करेंगे वो? तो पहले कैशलेस फैसिलिटी होती थी जो कि बाद में बंद कर दिया गया है, इसको फिर से चालू करने की भी जरूरत है इसी स्कीम के तहत। जितेंद्र महाजन जी, मैक्स आर्य वैद्यशाला सब। जितेंद्र महाजन जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे 280 पर बोलने का मौका दिया। मैं जिस समस्या की ओर बोलना चाह रहा हूं वो रोहतास नगर ही नहीं पूरी दिल्ली की समस्या है। नई शराब नीति आने से पूर्व रोहतास नगर विधानसभा में सिर्फ 4 शराब के ठेके थे, उनमें से 3 ठेके एक मॉल के अंदर थे और 1 शराब का ठेका आबादी से दूर था। नई नीति आई, उसके अंदर अनेक शराब के ठेके खोले गए, घोटाला पकड़ा गया और वो ठेके निरस्त हुए। मगर उसके बावजूद अब जो सरकारी ठेके खोले जा रहे हैं रोहतास नगर विधानसभा में, अभी तक 7 ठेके आबादी के बीच में खोल दिए गए हैं और ठेके खोलने की योजना चल रही है। मेरा माननीय अध्यक्ष जी और सभी सदस्यों से अनुरोध है कि रिवेन्यू कमाने के लिए ये सब क्या किया जा रहा है। और दुख की बात तो यह है कि इन शराब के ठेकों के साथ ओयो होटल भी खुल गए हैं। हमारे इलाके में दुर्गापुरी, हरदेवपुरी, चंद्रलोक ऐसी अनेक जगहों पर जहां शराब के ठेके खोले हैं उनके बिल्कुल साथ वाली बिल्डिंग में या उनके ऊपर ओयो होटल खोल दिए गए हैं। और हमारा इलाका माननीय अध्यक्ष जी, ना वहाँ लाल किला है ना वहाँ ताजमहल है, यानी पर्यटक वहाँ आता नहीं है। कोई इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ पर है नहीं, कोई व्यापारी आता नहीं है। महाजन जी, अब जो बोल रहे हो वो तो इसमें लिखा नहीं है। हैंजी, जो आप बाद में बोल रहे हो मैं समझा रहा हूँ साहब, वो समझ में आ गया सारे समझ गया नहीं तो मैं बोलता हूँ समझदार है। तो मेरा ये कहना ये है अध्यक्ष जी, जब वहाँ पर्यटक नहीं है, वहाँ व्यापारी नहीं है, तो उन होटल में कौन लोग आ रहे हैं? चलिए ठीक, गैर कानूनी धंधे शुरू हो गए हैं। और मेरा आपसे अनुरोध है कि इन ओयो होटल्स की जांच कराई जाए और पूरी दिल्ली में सभी सदस्य सहमत होंगे कि पूरी दिल्ली में ओयो होटल्स के नाम पर जो अय्याशी के अड्डे चल रहे हैं इनको बंद कराया जाए और दिल्ली के अंदर आबादी के बीच में शराब की दुकानें ना खोली जाए। मैं ये इस सदन से अनुरोध करना चाहता हूँ। ऋतुराज गोविंद जी, ऋतुराज गोविंद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे 280 के तहत अपने विधानसभा क्षेत्र का एक ज्वलंत मुद्दा उठाने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, किराड़ी विधानसभा क्षेत्र पूरे दिल्ली के अंदर में एकमात्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो 99% अनऑथराइज कॉलोनी है और अनऑथराइज कॉलोनीज खेती की जमीन में बसी है। खेती की जमीन अध्यक्ष महोदय 3 तरह की होती है। एक हम लोग बिहार में बोलते हैं ऊपर की खेत, जिसमें क्या बोलते हैं सब्जी की खेती होती है। एक होती है बिचल की खेत, उसके अंदर में मोटा अनाज होता है। एक होता है सबसे नीचे जिसको चौर बोलते हैं हम लोग बिहार में। चौर का मतलब होता है जहां पर धान की खेती होती है, जिसको आप लोग जीरी बोलते हैं। वहां पे नेचुरली पानी लगता है बारिश के दौरान और उसमें जो है सो कादो कादो करके उसमें धान लगाते हैं, तो चौर हो गया वो। तो अध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र के अंदर में जो अगर नगर इलाका है या इंदर इनक्लेव इलाका है या प्रेम नगर थर्ड है या प्रेम नगर सेकंड का इलाका है, ये सबसे नीचे वाले खेत में बसा, चौर में बसा कोई प्रवासी मजदूर जो 5,000-7,000 रुपया महीना अपना हड्डी गला के कमाता है, वो बेचारा अपना उस समय में 100 रुपये गज, 200 रुपये गज, 300 रुपये गज उसने एक प्लॉट खरीद लिया, 25 गज का, 30 गज का, 35 गज का, उसमें किसी भी तरीके से कच्चा पक्का मकान अपना बना करके रह रहा था। उसको नहीं पता था ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, उसको नहीं पता था सीवरेज सिस्टम क्या होता है। उसके लिए ड्रेनेज का मतलब था वो छोटा सा गड्ढा करके एक सोखता बनाता था जिसमें घर का पानी चला जाता था, उसी से वो बेचारा काम चलाता था, मेहनत मजदूरी से नमक रोटी खाता था। लेकिन जब सरकार की अर्बन डेवलपमेंट पॉलिसी बनी, जो कि जरूरी भी था और सरकार ने तय किया कच्ची कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं हमें देनी है, पीने का पानी की लाइन बिछानी है, सीवर की लाइन बिछानी है, ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त करना है, तो जो सबसे नीचे खेत था जिसको चौर बोलते हैं, जब उसमें ड्रेनेज सिस्टम के साथ जब सड़कें बनाई गई तो साथ साथ 8-8, 9-9 फुट की सड़क हो गई। अब उस आशियाना गरीब आदमी का आशियाना तो डूब गया और ऐसा डूबा कि 5,000-7,000 हड्डी गला के कमाने वाला मजदूर
उसको ठीक नहीं करा सकता है। ऋतुराज जी कंक्लूड करिए, कंक्लूड करिए। मेरा देखिए इस बात को समझने के लिए भूमिका जरूरी है अध्यक्ष महोदय। मेरा अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर से एक ही चीज निवेदन करता हूँ आपके माध्यम से कि कच्ची कॉलोनियों में जो 25 गज 30 गज 35 गज के खास करके लो लाइन इलाके में लोग रहते हैं आप उसका सर्वे करा लीजिए, आप किसी की रिपोर्ट मत मानिए। लेकिन जिस बेचारे का मकान का इतना नुकसान हो चुका है, जो बेचारा लोकल फाइनेंसर से कर्जा लेकर के अपना कच्चा पक्का मकान बनाया, वो दोबारा मकान नहीं बना सकता है क्योंकि वही कर्जा का चक्रवर्ती ब्याज चुकाने में उसकी जिंदगी बीत गई। कम से कम उस गरीब आदमी को जो 25 गज 30 गज 35 गज का मकान जो सरकारी योजना की वजह से डूब गया है उसकी सरकारी मुआवजा नहीं, कम से कम सरकारी सहायता जरूर किया जाए। ऐसी अर्बन डेवलपमेंट पॉलिसी के अंदर में चीजों को इंक्लूड किया जाए, मेरा आपके माध्यम से यही कहना है। और यह मसला केवल किराड़ी का नहीं है, यह पूरे दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों का है। मेरा हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन है कि ऐसे गरीब प्रवासी लोगों को प्लीज बचा लीजिए, उनको डूबने मत दीजिए, बर्बाद मत होने दीजिए, नहीं तो जिंदगी खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जरनैल सिंह जी, जरनैल सिंह जी अनुपस्थित। श्री जय भगवान जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपने मुझे 2:30 पे बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मैं आज बहुत ही अति महत्वपूर्ण मुद्दे पे बोल रहा हूँ कि पिछले 3 वर्षों से लगातार मैं हमारी जो डीएम नॉर्थ आर मेनका जी हैं और जो हमारे एसडीएम हैं उनसे पिछले 3 वर्षों से लगातार कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ जनता के जो विकास कार्यों के लिए, जनता के हित के कार्यों के लिए। और पिछले 3 वर्षों से वो लगातार मीटिंग हो रही है लेकिन कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। लगातार मैंने बरवाला के किसानों को लेकर के कई बार 10 बार उनके साथ मीटिंग की लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। अध्यक्ष महोदय, नांगल ओचंदी हरेवली में डिमार्केशन के लिए 10 बार मैं उनसे मिला लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अध्यक्ष महोदय, किसानों के उजाड़े के मुआवजे को लेकर के मैंने कई बार उनसे मीटिंग की लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अध्यक्ष महोदय, और उनके द्वारा लगातार इलाके के अंदर अवैध कब्जे कराए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, कृषि भूमि पर लगातार अवैध कब्जे हो रहे हैं उनके द्वारा। और अध्यक्ष महोदय, जैसे कि टाटा पावर की कोई सर्वे आती है, सर्वे को लेकर के 6-6 महीने बैठ जाते हैं, कोई भी कार्य करने को राजी नहीं है, ना ही एसडीएम, ना ही एडीएम, ना ही डीएम। अध्यक्ष महोदय, लगातार इलाके के अंदर समरसीवल लगवा करके अवैध वसूली की जाती है डीएम एसडीएम के द्वारा, जबकि जनता के अधिकारी हैं ये, जनता के लिए काम करने के लिए आए हैं लेकिन जनता का कोई काम नहीं करते। लगातार हम लोग बोलते रहते हैं कि जनता के हितों के कार्यों को करना चाहिए, जैसे कि अगर रोड पर, अगर पीडब्ल्यूडी के मेन रोड पर किसी ने कब्जा कर लिया, हमने कहा कि डीटीएफ से इसको हटवा दो, एसटीएफ से इसको हटवा दो, तो उनके कानों पर जू नहीं रंगती। वो कहते कि जी हमारे तो अंडरटेकर उसमें आती नहीं, हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, और जहाँ पर उनको पैसा कोई नहीं देगा, अवैध वसूली नहीं देगा, तो उसका तुरंत तोड़ देंगे। तो अध्यक्ष महोदय, मैं ये सदन में इसलिए लेकर के आया हूँ कि लगातार पिछले 3 वर्षों से मैं लगातार उनके बारे में बोल रहा हूँ लेकिन कोई भी कार्य उनके द्वारा नहीं किया गया है। अध्यक्ष महोदय, जैसे उनके द्वारा सरकारी ज़मीनों पर कब्जा कराया जा रहा है, चाहे वो फॉरेस्ट की ज़मीन है, चाहे वो कृषि भूमि है, चाहे वो ग्राम सभा की ज़मीन है, लगातार जो हमारे सरकारी अधिकारी हैं उनकी सह पर सारे काम हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, सारे जो जो सरकारी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है, मेरा आपसे निवेदन है। और दूसरा, अभी बीच में एक पटिशन कमेटी की हमारी मीटिंग हुई, उस कमेटी के अंदर अध्यक्ष महोदय, हमारे पटिशन कमेटी के चेयरमैन और हमारे जो अन्य सदस्यों द्वारा, जब वहाँ के जो डीकॉम और डीएम और एसडीएम के उनको बोला गया इलाके के बारे में, तो उसके बाद तो 3-4 मीटिंगों में वो आए भी नहीं और फ़ोन भी उठाना बंद कर दिया अध्यक्ष महोदय। तो अध्यक्ष महोदय, ये जनता के जुड़े हुए मामले हैं, अगर अधिकारी आकर के अगर कार्य नहीं करेंगे जनता के तो कैसे चलेगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है सदन के माध्यम से कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए जो जनता के काम को रोकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। प्रमिला टोकस, अजय महावर, अजय महावर जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपका आभार, 280 में मुझे विषय उठाने का मौका मिला। आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय, समाज कल्याण विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग से मैं उठाना चाहता हूँ कि हमारे बुजुर्गों को, विधवाओं को
और दिव्यांगजनों को जो पेंशन दी जाती है, और ये सवाल मैंने पहले भी सदन में उठाया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जो पेंशन दी जाती है उनकी यदि मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद सरकार तुरंत उस पेंशन की जारी की हुई जो राशि है, सपोज किसी का 10,000 8,000 5,000 रह गया बैंक के खाते में, तुरंत उसको जब्त कर लिया जाता है बैंक के माध्यम से। मुझे लगता है ये असंवेदनशील और अमानवीय है। इस पर सरकार को, मंत्री जी को आपके माध्यम से मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि वह, क्योंकि कई बार उनकी मृत्यु के समय भले ही कुछ धनराशि बच जाती है लेकिन बड़ी धनराशि उन पर कर्ज भी हो सकता है, किसी किराने वाले का किसी दूध वाले का पैसा बाकी हो सकता है, तो सरकार इस पर ध्यान करे क्योंकि बाद में उसके परिजनों पर उसका बोझ पड़ता है। कम से कम जो राशि पेंशन की बुजुर्गों को, दिव्यांगों को और विधवाओं को हम जारी करते हैं उसको जब्त ना करें वापस, ये मुझे बिल्कुल असंवेदनशील लगता है। मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ कि इसे वापस ना लिया जाए, जब्त ना किया जाए, इस राशि को उसके परिवारजनों को इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए। साथ ही सरकार से मैं ये पुरजोर मांग करता हूँ कि सरकार वृद्धा पेंशन जो काफ़ी लंबे समय से लंबित है और माता पिता समान बूढ़ी आँखें इसकी राह देख रही हैं, सुनी हैं, आप जल्द से जल्द सरकार आपके माध्यम से बुजुर्ग पेंशन को जारी करें। धन्यवाद। अखिलेश पति त्रिपाठी जी। धन्यवाद। धन्यवाद। आपने मेरे क्षेत्र और आसपास के क्षेत्र के से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने का मुझे मौका दिया है। अध्यक्ष महोदय, ये मामला सब रजिस्ट्रार ऑफिस का है और मेरी विधानसभा, बगल में दिलीप भाई बैठे हैं उनकी विधानसभा, वजीरपुर विधानसभा, आदर्श नगर विधानसभा में कोई सब रजिस्ट्रार ऑफिस नहीं है। इवन देन उत्तरी जिला का जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस है वो नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के एक किराए के बिल्डिंग में चल रहा है और वो बिल्डिंग चौथे और पांचवें मंजिल पे स्थित है। मैं माननीय राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ 280 के माध्यम से कि उस चौथी और पांचवी मंजिल पर जो बुजुर्ग लोग हैं वो जा नहीं पाते रजिस्ट्री के लिए, इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनको, आए दिन उसका लिफ्ट खराब रहता है, जबकि लगभग 5-6 साल पहले ही इस सब रजिस्ट्रार ऑफिस को उत्तरी जिले में ही शिफ्ट करने के लिए प्रस्ताव गया था, ढक्का में पटवार घर तैयार हो गया बन करके दिलीप भाई के यहाँ, और उसको वहाँ प्रस्तावित था कि वहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। अभी तक वो वहाँ पर लाया नहीं गया और जो बिल्डिंग है जो उत्तरी पश्चिमी जिले में चल रही है, अगर कहीं नॉर्थ के डीएम से कहा जाए कि भाई आपका सब रजिस्ट्रार ऑफिस ठीक काम नहीं कर पा रहा है, बुजुर्गों को बहुत दिक्कत है, दिव्यांगों को बहुत दिक्कत है चौथी पांचवी मंजिल में जाने पर, तो जवाब होता है जिलाधिकारी का कि यह बिल्डिंग और यह ज्यूरिडिक्शन क्षेत्र हमारे क्षेत्र में नहीं पड़ता, उसका डीएम कोई दूसरा है, कार्यालय हमारा है, हम उस बिल्डिंग में कुछ कर नहीं पाते। तो अध्यक्ष महोदय, ये लगभग 20 लाख लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जो लोग आए दिन इतना बड़ा रेवेन्यू सरकार को मिलता है अध्यक्ष महोदय इससे, लेकिन बुजुर्गों के लिए दिव्यांगों के लिए वहाँ कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। सरस्वती विहार में भी डीएम ऑफिस में भी वहाँ भी एक बहुत बड़ा जगह खाली है, वहाँ भी शिफ्ट किया जा सकता है, और सबसे ज़्यादा सुटेबल कि उत्तरी जिले का सब रजिस्ट्रार ऑफिस ढक्का में जो पटवार घर पैसा लगा के बन के तैयार हो गया है उसमें इसी महीने में महीने भर के अंदर अंदर उसको शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि दिव्यांग व्यक्तियों को और बुजुर्गों को जो जा कर के टैक्स देते हैं हम लोगों को, उनको राहत मिल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान गौतम जी, राजेंद्र पाल गौतम जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने नियम 280 में मुझे क्षेत्र की समस्या को रखने का मौका दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी विधानसभा और मेरी विधानसभा के बीच में जो डिवाइडर है, सीमापुरी डिपो के बगल में रोड नंबर 70 पे
वहाँ पीडब्ल्यूडी के रोड को लगभग पूरा एनक्रोच करके कूड़े को सेग्रीगेट करने का काम कुछ लोग करते हैं, और वो पूरा रोड ही लगभग उन्होंने कब्जा कर लिया है। बसों के आने जाने पे भी दिक्कत है, ट्रैफिक जाम रहता है। इसी तरह मेरी आपकी विधानसभा के बीच में जो डिवाइडर है, कब्रिस्तान रोड दिलसाद कॉलोनी का इधर वाले पार्ट के इस साइड में जहाँ से E44 की झुग्गियाँ हैं, एक वो और एक सुरक्षा नर्सिंग होम वाला रोड, उन दोनों रोड को, रोड काफ़ी चौड़े हैं, कम से कम मेरे ख्याल से 60-70 फीट चौड़े रोड हैं दोनों, लेकिन दोनों रोड पे गाड़ी तो दूर है, पैदल निकलना भी मुश्किल है। वहाँ भी वो कूड़ा सेग्रीगेट करने का काम पूरे रोड पे फैला के पूरे रोड पे लगभग कब्जा है। तो कूड़ा सेग्रीगेट करना और वो भी रोड के ऊपर, इस समस्या से क्षेत्र के लोग बहुत परेशान हैं, लगातार हम लोग को अप्रोच करते रहते हैं। हमने DM को लेके, MCD के डिप्टी कमिश्नर्स को लेके, PWD के अधिकारियों को लेके, सारे अधिकारियों को लेके कई बार वहाँ उन रोड को खाली कराने की कोशिश की, लेकिन वो रोड पे अभी भी कूड़ा लगातार सेग्रीगेट हो रहा है, पैदल निकलने की भी जगह नहीं है। मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करता हूँ कि या तो उन रोडों को पूरी तरह उनसे खाली कराया जाए, और संभव हो तो उनको कोई वैकल्पिक जगह मुहैया कराई जाए, उनसे किराया लिया जाए, वो लोग देने को तैयार हैं, कम से कम लोगों के निकलने का रास्ता तो क्लियर हो। और इसके साथ साथ मैं एक चीज़ आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ, हम सभी सदन के सम्मानित सदस्य अपनी क्षेत्र की समस्याओं को नियम 280 के तहत लगाते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 280 के तहत लगाने का कोई क्या हमें फ़ायदा है, या केवल हम अपने क्षेत्र की जनता को संतुष्ट कर दें कि हमने 280 में यहाँ का मुद्दा उठाया। इसमें कार्रवाई हमें होती दिखती नहीं है। 8 साल से ज़्यादा हमें सदन का सदस्य बने हो गए, पिछले सरकार में रहे, इस सरकार में भी हैं, और सम्मानित सदस्य सब अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाते हैं। हमने अनेकों कमेटियाँ बनाई हुई है दिल्ली की विधानसभा की, क्या इस पर भी कोई कमेटी बनाई जा सकती कि जो 280 के तहत कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है? संबंधित अधिकारी अगर कार्रवाई नहीं करते तो उनको बुला के वहाँ कम से कम पूछा जाए कि भाई ये क्या सारे सम्मानित सदस्य क्या टाइम पास कर रहे हैं क्या बैठ के, जो आपके क्षेत्र की मुद्दे उठाते हैं और आप कोई भी उस पर कार्रवाई नहीं करते। आखिर हम यह मुद्दे उठा क्यों रहे हैं? सदन का भी पैसा जा रहा है, जनता के पैसे से सदन चलता है, और हम मुद्दे उठाए और मुद्दे पर कोई हल ना निकले तो लोग भी धीरे धीरे कहते हैं जी ये तो उठते रहते, होता तो कुछ है नहीं। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ, नियम 280 के तहत कार्रवाई सुनिश्चित हो, इसके लिए कोई ना कोई कमेटी आप बनाए जो रेगुलर 280 पे भी ध्यान रखे, अधिकारियों को बुला के कि उस पे कार्रवाई कितनी हो रही है कितनी नहीं हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। माननीय गौतम जी को मैं जानकारी में देना चाह रहा हूँ, जितने 280 में यहाँ आते हैं मैं व्यक्तिगत तौर पर उन पर एक्शन लेता हूँ, और माननीय सदस्यों को मालूम भी होगा, फिर भी कोई अगर रह जाता है तो मुझे लिख के दे सकते हैं, और उस समस्या को निश्चित रूप से उस विभाग के साथ, संबंधित विभाग के साथ रखा जाता है। ये सम्मानित सदस्य सारे बता देंगे, चाहे सत्ता पक्ष को चाहे विपक्ष को, उस पे कार्रवाई नहीं होती, रिजल्ट नहीं आता सर, बिल्कुल रिजल्ट नहीं आता। हम पूरी तरह विफल हैं, हम लगातार उठा रहे हैं लेकिन समाधान नहीं हो रहा है। जिन सदस्यों को ऐसा लगता है कि मेरी समस्या पर कार्रवाई नहीं हुई जो मैंने 280 में उठाया था, तो मुझे लिख के दे सकते हैं उस पर। विदुड़ी जी, मैं आपकी जानकारी देना चाह रहा हूँ, 280 का पहले रूलिंग पढ़ लीजिए, उसमें क्या समस्याएं उठाई जा सकती, फिर मुझसे बात करिएगा। नहीं, रूल को पढ़िए, आप LOP हैं, बैठ जाइए, आप पढ़ लीजिए उसको, 280 को पढ़िए पहले, फिर पढ़ दूंगा मैं, 280 को पढ़िए पहले नियम को। श्री गुलाब सिंह जी, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, और उनका भी धन्यवाद जो आज 280 बोलने के लिए आए नहीं, जो हमारा नंबर पड़ गया। विदुड़ी जी देखिए जरा, हमारे यहाँ बड़ी दिक्कत है। अध्यक्ष महोदय, मेरे यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में
और आज ये सफ़र वहीं से शुरू होता जहाँ ख़त्म हुआ था। आप ही ने इसका फैसला कराया था 2019 में मटियाला विधानसभा के जो ग्रामीण क्षेत्र है, विशेष तौर पे मैं गांव का नाम कोड कर रहा हूँ, रावता, झुलझुली, घुमनेड़ा, सारंगपुर, झटीकरा, शिकारपुर, कांगनेड़ी, जो नजफगढ़ ड्रेन के साथ सटे हुए गांव हैं, इन गांव के अंदर हर रोज बिजली विभाग द्वारा लाखों रुपए की इन्फोर्समेंट के केस बनते हैं। दो एकड़ एक एकड़ के किसान के ऊपर 5-5, 7-7 लाख रुपए के चोरी के केस बनाए जाते हैं, फिर उसके बाद उनको लोक अदालत में बुलाया जाता है और उसको 50% में छोड़ने के लिए उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है, चलो आपको 50% में छोड़ देते हैं। दो एकड़ के अंदर मुश्किल से 50,000 रुपये साल में बचते हैं जी किसानी करने के बाद। मेरा आपको याद भी होगा और आपने 280 में इसका मेरा निराकरण कराया था, याद होगा कि कैलाश गहलोत जी और सत्येंद्र जैन जी की आपस में भिड़ंत भी हुई थी सदन के अंदर इस मामले में, और तब ये जाके हल हुआ था। इसमें दो मामले, एक तो ये है कि जो फिक्स जो रेट है पर किलोवाट का, ये हमेशा 20 रुपये किलोवाट रहा है किसानों के ऊपर जो एग्रीकल्चर कनेक्शन है, लेकिन इसको दोबारा से 120 कर दिया गया, ठीक वैसे ही जैसे 2018 में 20 से 120 कर दिया गया था। अब दोबारा वो आपने ठीक कराया था, इसी सदन में कराया था, वो 20 रुपये हो गया था, अब दोबारा से BSES ने उसको 120 रुपये कर दिया पर किलोवाट फिक्स जो रेट होता है, जो कि किसानों का 4 से 5 महीने जो मोटर है वो यूज होती है खेती बाड़ी में, पानी जो चलाते हैं 7 महीने वो बंद रहती है। अब आप सोचिए कि किसी किसान का अगर 10 किलोवाट का कनेक्शन है तो उसके 1200 रुपये हर महीने आने ही आने, जो कि बिल्कुल नाजायज है, बिल्कुल गलत है। तो एक तो इसको हमारी बहन जी बैठी यहाँ पे मंत्री महोदया जी, आपको बड़ी समस्या आने वाली अगर आपने हमारा समाधान नहीं किया, तो किसानों के बीच में हम आपको लेके जाएंगे बातचीत, ये बड़ा गंभीर मामला है। तो एक तो इसको आप वापस 20 रुपये पर किलोवाट कर दें तो सभी ग्रामीण क्षेत्र के किसान जो हैं आपके बहुत ही आभारी रहेंगे। दूसरा ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो इन्फोर्समेंट के केस बनाए जा रहे हैं, माननीय अध्यक्ष जी इसके ऊपर संज्ञान ले, BSE से इससे जवाब मांगा जाए और जवाब इस तरह से मांगा जाए, हालांकि मैंने इसको स्टार क्वेश्चन में भी लगाया हुआ है और आज तक हालांकि जवाब मिला भी नहीं है कि कितने लोगों के ऊपर चोरी के छापे डाले गए और कितने पैसे की वसूली की गई, आज तक BSE इन जवाबों से बचता रहा है। तो इसके ऊपर संज्ञान लिया जाए, लेकिन इस सारी समस्या का एक समाधान है अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के अंदर और कई राज्यों के अंदर किसानों के फिक्स कनेक्शन वो कर रखे हैं, रेट फिक्स हर मोटर के ऊपर 10 किलोवाट की अगर मोटर चल रही है तो उसका फिक्स कर रखा है 700 रुपये 1000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, तो ना तो चोरी होगी, पैसा भी आएगा, और किसान चोरी करने में मजबूर क्यों? आप ये सोचिएगा कि जो रेट है बिजली के उसके हिसाब से अगर वो चलाते भी हैं तो सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ कि जो उसकी इनकम होगी ना वो भी BSE के ऑफिस में डाल के आ जाएगा, एक पैसा नहीं बचा सकते, वो मजबूर हैं। इसलिए मेरा ये निवेदन है माननीय मंत्री महोदय से कि इस बारे में सोचिएगा कि अगर हम ये फिक्स किलोवाट के हिसाब से कर दें, पर मोटर के हिसाब से कर दें, पर कनेक्शन के हिसाब से कर दें, तो यकीन मानना कि दिल्ली के किसान हमेशा ही सरकार का आभारी रहेंगे, क्योंकि जब जब किसानों के ऊपर मुसीबत आई है तो निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने, चाहे वो फसल बर्बादी का मुआवजे की बात हो, तो 20,000 रुपये पर एकड़ देकर हमने पूरे हिंदुस्तान का एक इतिहास रचा इस विधानसभा के अंदर। तो मैं चाहूँगा कि इस विषय को भी गंभीरता से लेते हुए और जो कनेक्शन है उनको फिक्स कर दिया जाए, रेट जो है बिजली की दरें जो फिक्स कर दी जाए, ताकि किसानों को कोई किसी तरह की समस्या ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे मुद्दा उठाने का मौका। धन्यवाद नरेश यादव जी। अध्यक्ष जी धन्यवाद जो आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं गुलाब सिंह जी की बात को सेकंड करता हूँ कि किसानों का अगर ये जो चार्जेज है इसको फिक्स कर दिया जाए तो उनके लिए बहुत राहत मिलेगी। अध्यक्ष जी उसके पश्चात अध्यक्ष जी मैं आतिशी जी और सौरभ भारद्वाज जी जो हमारे नए मंत्री बने हैं उनको भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ सदन के अंदर। साथ में आज सोमनाथ भारती जी यहाँ आए नहीं हैं, वो वाइस चेयरमैन जल बोर्ड बने हैं, उनको भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। सौरभ भाई ने जल बोर्ड में बहुत अच्छा काम किया, सभी विधायकों के साथ मीटिंग करते थे और बहुत अच्छी तरीके से जल बोर्ड की समस्याओं को उठाया। और अब मैं सोमनाथ भारती जी से भी यही निवेदन करूँगा कि हम सब विधायकों की जो जल बोर्ड की समस्या अभी धीरे धीरे बढ़ रही है उसको बहुत अच्छी तरह से वो उठाएंगे। अध्यक्ष जी मैं आज एक मुद्दा दिल्ली सरकार के कर्मचारियों से संबंधित उठा रहा हूँ।
अध्यक्ष जी, दिल्ली सरकार के जो कर्मचारी हैं, जो सेवारत हैं या सेवानिवृत्त हैं, वो बहुत सारे कर्मचारी गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, एनसीआर क्षेत्र में रहते हैं और वो दिल्ली सरकार से डीजीएचएस की जो डिस्पेंसरी है उससे स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाते हैं, वहीं से वो दवाइयाँ लेते हैं, वहाँ उनको आना पड़ता है। अध्यक्ष जी, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वृद्ध हैं, बीमार हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो दिल्ली में आते हैं। इससे उनके बहुत उनको कष्ट भी होता है, खर्चा भी होता है, समय भी बर्बाद होता है। तो मैं आपके माध्यम से महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाओं को मैं ये आदेश दिलवाना चाहता हूँ कि कुछ ऐसा किया जाए कि एनसीआर क्षेत्र में भी हमारा स्वास्थ्य विभाग 3-4 डिस्पेंसरियाँ खोले, जिससे कि वो लोग जो दिल्ली सरकार के कर्मचारी जो एनसीआर क्षेत्र में रहते हैं वो अपनी सभी चिकित्सा सुविधाएं वहां से ले सके और उनको दिल्ली ना आना पड़े, उनको ये सारा का सारा खर्चा ना उठाना पड़े। इस संबंध में अध्यक्ष जी, मैं एक निदेशालय स्वास्थ्य सेवाओं के एक पत्र संख्या 388503862 दिनांक 28 जुलाई 2010 का भी मैं संज्ञान आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिसमें बिंदु संख्या 7.1 में इस तरह का प्रावधान का जिक्र भी किया गया है। तो अध्यक्ष जी, जो ये अगर दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के लिए ऐसा किया जाएगा तो उनको बहुत सुविधा मिलेगी और इस संबंध में आपने जो मुझे ये बात रखने का मौका दिया उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। वीरेंद्र सिंह कादियान जी। बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, जो मुझे बोलने का अवसर दिया। दिल्ली कैंट विधानसभा में अध्यक्ष महोदय बहुत से सरकारी कर्मचारी रहते हैं, जिसमें दिल्ली सरकार के कर्मचारी भी रहते हैं, और जब भी मैं वहाँ जाता हूँ तो सरकारी कर्मचारी वो एक ही बात कहते हैं कि आपकी जो सरकार है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, उन्होंने पंजाब में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करवाई। तो दिल्ली के जो कर्मचारी हैं उनको भी ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, 1 जनवरी 2004 से न्यू पेंशन स्कीम केंद्रीय व राज्य के कर्मचारियों के लिए लागू कर दी गई थी। ये पेंशन स्कीम, जो न्यू पेंशन स्कीम है, ये एक प्रकार से कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है और इसको एक उसके माध्यम से मैनेजर के माध्यम से इसको इन्वेस्ट किया जाता है और बाजार के ऊपर निर्भर रहती है। अब इस पेंशन स्कीम में सरकारी कर्मचारी को जब वो सेवानिवृत्त होता है तो उस समय पता नहीं रहता कि इसको कितनी पेंशन मिलेगी, उस समय क्या स्थिति फाइनेंशियल देश की रहेगी, मार्केटों की रहेगी, और उस पैसे को जब वो इन्वेस्ट करते हैं तो अगर छोटी सी भी गलती हो जाए, जैसे आज आप माहौल देख रहे हो, एक कंपनी जो बहुत ही हाइप कर गई थी और एकदम से धड़ाम से गिरी, ऐसी कंपनियों में अगर इन्वेस्ट कर दिया जाए पैसा, जैसे अडानी की कंपनियों में कहना चाहूँगा, इस प्रकार की कंपनियों में वो पैसा इन्वेस्ट हो जाए और एकदम से नीचे गिर जाए, क्योंकि विश्वास जब जनता का टूटता है तो शेयर मार्केट भी दगमगा जाता है, तो जिससे सरकारी कर्मचारी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो उस पेंशन स्कीम को बंद करके जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, जो कि उसको ये सरकारी कर्मचारी को ये पता रहता है कि जब मैं रिटायर होऊंगा तो मेरी बेसिक पेंशन सैलरी इतनी होगी और इस स्लैब में मेरी पेंशन बढ़ेगी और मैं आराम से अपना जीवन यापन, जब मैं सेवानिवृत्त होऊंगा 60 साल के बाद, अपने बच्चों को की देख रेख कर पाऊंगा और अपना जीवन यापन अच्छी तरह कर पाऊंगा। अध्यक्ष महोदय, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसमें समय समय पर पे कमीशन आने पर उस स्कीम के आधार पर पेंशन की भी बढ़ोतरी होती है, डीए जो है वो मिलता है उनको, जिससे उस पर फाइनेंशियल बोझ नहीं पड़ता कर्मचारी पे। क्योंकि आज का जो हिसाब देखें और उस पैसे का इन्वेस्टमेंट अगर गलत तरीके से हो जाए न्यू पेंशन स्कीम में, तो सरकारी कर्मचारी को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो मेरा ये सदन में प्रस्ताव है अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, कि आप जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो केंद्रीय कर्मचारी हैं, आप इस प्रस्ताव को यहाँ की इस सदन के माध्यम से वहाँ भी भेजें और जो दिल्ली सरकार के कर्मचारी हैं उनके लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करें, जैसे हमने पंजाब में करी है, और इन सभी का, कर्मचारियों का
श्री अरविंद केजरीवाल जी पे भरोसा है, ये यही कहते हैं कि अगर कोई कर सकता है ओल्ड पेंशन स्कीम अगर दिल्ली में लागू, तो श्री अरविंद केजरीवाल जी माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली के वही कर सकते हैं, क्योंकि वो जब हर तबके की आवाज़ सुन रहे हैं तो उनको सरकारी कर्मचारियों की भी इस मांग को मानने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा और इसकी मंजूरी दिलानी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, जो आपने मुझे इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया और सरकारी कर्मचारियों की आवाज़ उठाने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम श्री विशेष रवि जी। बहुत बहुत शुक्रिया अध्यक्ष जी, आपने नियम 280 के तहत मुझे अपने विधानसभा क्षेत्र का समस्या को उठाने का मौका दिया। सर, हमारे यहाँ पर पिछले एक महीने से पानी की बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हुई हुई है। लगभग एक महीना होने वाला है कि हमारे क्षेत्र में विशेषकर नाईवाला, बिडिनपुरा, जोशी रोड और पूरे पहाड़गंज क्षेत्र के अंदर जो पानी पहले दो समय आता था वो एक समय आ रहा है, और एक समय के अंदर भी जो है जो टैंक का लेवल है हमारा जो 14 फीट के आसपास होता था वो अभी उससे भी कम हो रहा है। सर, सप्लाई का हमारे यहाँ पर ऐसा था कि एक दिन छोड़ के एक दिन शाम को सप्लाई होती है अलग अलग क्षेत्र में, एक दिन करोलबाग में और एक दिन पहाड़गंज के अंदर, और क्योंकि शाम की सप्लाई बंद है पूरी तरह से तो सुबह भी जो लोग टेलेंट पे रहते हैं, जिनके मकान पीछे हैं या फिर जो मकान लंबी गलियां हैं और जिनके मकान सेंटर में पड़ते हैं, उनको सुबह भी एक समय के अंदर ये पानी नहीं मिल रहा है। हम लगातार जल बोर्ड से बात कर रहे हैं लेकिन जल बोर्ड भी अपनी उसमें असमर्थता जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि वो बता रहे हैं, हम देख भी रहे हैं मीडिया के माध्यम से कि हरियाणा से पानी की सप्लाई जो है बहुत कम हो रही है, जगह जगह पानी को रोका हुआ है। सौरभ जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया भी कैसे जो है हरियाणा के अंदर सैंड माफिया के द्वारा जो है वो यमुना के ऊपर जो है पूरा पानी रोका हुआ है। ये हम पब्लिक को बता रहे हैं लेकिन सर पब्लिक भी बहुत दिन तक समझती नहीं है, वो ये बात को जो है मानने को तैयार नहीं होती। अभी एक महीना हो गया है तो मैं आज इस मौके पे आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि एलडी साहब, क्योंकि केंद्र सरकार के नुमाइंदे हैं, उनकी ये ड्यूटी बनती है कि वो अगर दो राज्यों में हमारे यहाँ कोई समस्या बन रही है तो उनको हरियाणा सरकार से बात करनी चाहिए और इस समस्या का हल करना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा कि वो यहाँ इस मौके पे कुछ अपना प्रयास करें, साथ साथ में अपनी सरकार से भी निवेदन करूंगा, क्योंकि ये समस्या अब हर साल की हो गई है, साल में 4-5 महीने जो है पानी बहुत डिस्टर्ब होता है, तो हमें भी कुछ ना कुछ अपनी व्यवस्था करनी पड़ेगी। हम हर बार जो है ये बोल के कि हरियाणा से पानी नहीं आ रहा है उस पर नहीं छोड़ सकते पब्लिक को, क्योंकि पब्लिक अब मानती नहीं, पब्लिक ये कहती है कि भाई आपको जिम्मा है, जल बोर्ड आपके पास है, समस्या का हल भी आप ही करना पड़ेगा। तो सरकार से भी निवेदन है कि वो कुछ प्रयास करें, और साथ में मेरा ये भी रिक्वेस्ट है कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसमें बहुत ज़्यादा समय एनर्जी की जरूरत है, तो अगर माननीय मंत्री चाहें तो कुछ विधायकों की ड्यूटी, कुछ प्रोजेक्ट्स के वाइज जो है ड्यूटी लगाया, ताकि हम लोग जो है फॉलोअप करने के लिए तैयार हैं। चंद्रावल प्लांट है, कोई और प्लांट है, जहाँ ड्यूटी लगाएंगे हम लोग लगातार जो है, क्योंकि समस्या हमारी है, हमसे जो है पेन इसमें कोई और नहीं लेगा। तो अगर माननीय मंत्री जी चाहें या सरकार चाहें तो कुछ काम बांट कर जो है हमारी ड्यूटी लगा दी जाए, हम जो है उस काम के फॉलोअप के लिए हर रोज जो है पूछताछ कर लेंगे। आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मान्य सदस्यों को जानकारी देना चाहता हूँ, आज कुल 21 अल्प ये 280 में चर्चाएं लगी थी, 21 में से 17 टेकअप हो गई, 3 सदस्य उपस्थित नहीं थे और एक किसी कारण रद्द करनी पड़ी है। शांतिपूर्वक सदन चलने का ये लाभ रहता है। पूरे सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूँ, एक गलती, असंवैधानिक काम इस सदन से हो रहा है अनजाने में या जानबूझ के, उसका सुधार, भूल सुधार कर लें। हमारे यहाँ न्यूनतम मजदूरी 16,792 है और स्किल्ड की 20,357 है, लेकिन हम सारे विधायकों के कार्यालय में डाटा एंट्री ऑपरेटर को हम 15,000 रुपये दे रहे हैं, ये कानून के खिलाफ है, इसको सुधार कर लिया जाए। बहुत धन्यवाद। भाई झा साहब, ये अगर कोई दिक्कत है मुझसे बात कर लीजिएगा सर। नहीं, मैं ऐसे नहीं, प्लीज झा साहब आप मुझसे आके बात करिए। ऐसा नहीं चल सकता, बैठिए। आपके मैं आपसे पूछूं, सत्ता पक्ष के 13 क्यों लगे? नहीं, इधर सुनिए, बात सुनिए, सत्ता पक्ष के 13 क्यों लगे?
कौन चिंता करेगा इसकी? बैठिए। अब श्री सौरभ भारद्वाज जी माननीय शहरी विकास मंत्री अपने विभाग से संबंधित कार्य सूची के बिंदु क्रमांक 2 के उप बिंदु 1 में दर्शाए गए दस्तावेज की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची के बिंदु क्रमांक 2 के उप बिंदु 1 में दर्शाए गए दस्तावेजों की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करता हूं। अब श्रीमती आतिश जी माननीय ऊर्जा मंत्री अपने विभाग से संबंधित कार्य सूची के बिंदु क्रमांक 2 के उप बिंदु 2 में दर्शाए गए दस्तावेजों की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करेंगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची के बिंदु क्रमांक 2 के उप क्रमांक बिंदु 2 में दर्शाए गए दस्तावेज की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूँ। सदन के प्रतिवेदन पर सहमति। अब श्रीमती राखी बिरला श्री दिलीप कुमार पांडे जी प्रस्ताव करेंगे। यह सदन दिनांक 17 मार्च 2023 को प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 5वें प्रतिवेदन से सहमत है। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि यह सदन दिनांक 17 मार्च 2023 को प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 5वें प्रतिवेदन से सहमत है। यह प्रस्ताव सदन के सामने है, जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में ना कहें, हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ। माननीय कैलाश गहलोत जी माननीय वित्त मंत्री दिल्ली का आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से दिल्ली के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 की हिंदी तथा अंग्रेजी प्रति सदन पटल पर प्रस्तुत करता हूं। अब श्री गोपाल राय जी माननीय विकास मंत्री उपराज्यपाल महोदय के पढ़ना चाहिए। दूसरा आउटकम बजट जो है उसकी रिपोर्ट पेश करनी है। नहीं, पहले तो आर्थिक सर्वेक्षण को पढ़िए ना। नहीं, वो तो टेबल करना है। टेबल कर दिया, हो गया। ये मुझे दिया नहीं ना, बाद में दिया इसमें। चलिए, अब श्री कैलाश गहलोत जी माननीय वित्त मंत्री राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के आउटकम बजट 22-23 की 31 दिसंबर 2022 तक की स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। टेबल करने से पहले अध्यक्ष जी, मैं ताकि सदन के सभी सदस्यों को थोड़ा अवगत करा सकूं, मैं सदन के समक्ष सरकार का लगातार 6ठा आउटकम बजट रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत कर रहा हूं। इसमें 2022-23 के अंतर्गत 23 दिसंबर 2022 तक की योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं की प्रगति और उपलब्धियों का विवरण है। अध्यक्ष जी, लगातार हमारी सरकार ने जो शुरू किया था आउटकम और आउटपुट बजट को पेश करना, और देश में शायद पहली सरकार है जो लगातार अपनी ही रिपोर्ट कार्ड जो है पब्लिक के बीच उसको पेश कर रही है। तो ये जो रिपोर्ट है, स्टेटस रिपोर्ट ऑफ आउटकम बजट 2022-23, ये मैं सदन के बीच आज रख रहा हूँ। महोदय, दिल्ली का आउटकम बजट एक ऐसा अनूठा दस्तावेज है जो जनता के पैसे से किए गए कामों की पारदर्शिता और जवाबदेही का उल्लेख प्रस्तुत करता है। बजट आवंटन अब केवल वित्तीय उपलब्धियों के रूप में नहीं मापे जाते, बल्कि यह आउटपुट और आउटकम इंडिकेटर्स में विभाजित है, जिनका निरीक्षण अब बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। आउटकम बजट दिल्ली सरकार की हर प्रमुख स्कीम के दो प्रकार के इंडिकेटर्स के माध्यम से ट्रैक किया जाता है। अध्यक्ष जी, दो इंडिकेटर्स हैं जो हम यूजली इस पूरी रिपोर्ट में यूज़ करते हैं। पहला आउटपुट इंडिकेटर्स, जो सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कामों को ट्रैक करता है, जैसे कि कितने मोहल्ला क्लिनिक बने, कितने स्कूल बने इत्यादि। और दूसरा जो इंडिकेटर हम यूज़ करते हैं इस पूरे रिपोर्ट में, वो है आउटकम इंडिकेटर्स।
और आउटकम इंडिकेटर से हम ट्रैक करते हैं कि सरकार के कामों से लोगों को असलियत में कितना लाभ हुआ। जैसे कि हम स्कूल बनाते हैं या मोहल्ला क्लिनिक बनाते हैं तो वो तो आउटपुट इंडिकेटर का पार्ट है, लेकिन अगर हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाया और उसमें सपोज पेशेंट्स ही नहीं आ रहे हैं तो उसको फिर हम आउटकम इंडिकेटर के साथ उसको टेस्ट करते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक में कितने मरीज चिकित्सा के लिए आए और उनमें से कितनों को मुफ्त दवाइयाँ मिली, सरकारी स्कूलों के छात्रों के कैसे परिणाम आए इत्यादि। केजरीवाल सरकार देश की पहली ऐसी राज्य सरकार है जो अपने कामों को लेकर तमाम आंकड़े स्वयं जनता के बीच रखती है। दिल्ली सरकार आउटकम बजट के तहत कुल 1,01,136 इंडिकेटर से सरकारी कामों की निगरानी रखती है। इसमें 668 आउटपुट इंडिकेटर्स और 468 आउटकम इंडिकेटर्स शामिल हैं। अध्यक्ष महोदय, अब मैं वर्तमान वर्ष के आउटकम बजट के अंतर्गत जो मेजर अचीवमेंट्स हैं उस पर प्रकाश डालूंगा। सबसे पहले अगर हम एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो इसमें टोटल जो इंडिकेटर्स थे वो 110 हैं और आपको जानकर खुशी होगी कि 67% जो इंडिकेटर्स हैं वो ऑन ट्रैक हैं। अगर हम की अचीवमेंट्स की बात करें तो CBSE बोर्ड में 10वीं और 12वीं दोनों स्तरों का परिणाम सराहनीय रहा। एकेडमिक सेशन 21-22 में सरकारी स्कूलों के 12वीं का परिणाम 98% और 10वीं का 97% रहा। दिल्ली के 83% सरकारी स्कूलों में CCTV कैमरे लग चुके हैं। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के तहत 90% से अधिक सरकारी स्कूल प्रतिदिन अपने छात्रों की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज कर रहे हैं। इसमें जो की अचीवमेंट्स हैं अध्यक्ष जी, चौथे नंबर पर सभी स्कूलों ने अपने पाठ्यक्रम में देशभक्ति पाठ्यक्रम को लागू किया। 2022-23 के दौरान मौजूदा स्कूलों में 11 नए स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सेलेंस जोड़े गए। बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम में 2,00,000 छात्रों को 2,000 रुपये की सीड मनी प्रदान की गई, जिनसे 40,000 से ज़्यादा नए बिजनेस आइडियाज़ उत्पन्न हुए। अब मैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के बारे में जो इंडिकेटर्स हैं वो 124 टोटल इंडिकेटर्स हैं और इसमें से 54% जो इंडिकेटर्स हैं वो ऑन ट्रैक हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट की जो मेन मेजर जो की अचीवमेंट्स हैं वो इस प्रकार हैं। 515 आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक चालू हैं। यहाँ रोजाना औसतन 21,000 से ज़्यादा मरीज इलाज कराने आते हैं। दिल्ली सरकार के 38 अस्पतालों में प्रतिदिन लगभग 63,000 मरीजों ने IPD में और 99,000 मरीजों ने OPD में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का लाभ उठाया। दिल्ली आरोग्य कोष योजना से 2,414 लोगों ने प्राइवेट अस्पतालों में निःशुल्क इलाज प्राप्त किया। इसी योजना के प्रतिपूर्ति के तहत निजी केंद्रों पर 63,000 रेडियोलॉजिकल टेस्ट की सिफारिश की गई। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अध्यक्ष जी, टोटल जो इंडिकेटर्स हैं वो 88 हैं और 69% जो इंडिकेटर्स हैं वो ऑन ट्रैक हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की अगर कुछ हम की अचीवमेंट्स के बारे में अगर हम बात करें तो सभी सार्वजनिक सेवाओं को फेसलेस तरीके से प्रदान करने के लिए प्रमुख पहल शुरू की गई। इसमें अब तक 23,00,000 से अधिक अनुरोध का समाधान किया गया है। ये जो 35,00,000 जो सर्विसेज हैं अध्यक्ष जी, ये टोटल हमने फेसलेस तरीके से इनको रिजॉल्व किया है। दिसंबर 2022 तक 93,000 ई व्हीकल्स जो हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। दिसंबर 2022 में दिल्ली में बेचे गए सभी वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 16.7% थी अध्यक्ष जी, जो भारत में किसी भी राज्य से अधिक है। वन डेली ऐप नवंबर 2022 में लॉन्च हुआ। इस ऐप पर 3,300 क्लस्टर बसें और 4,000 DTC बसों को ट्रैक किया जा सकता है। हमारी सभी क्लस्टर बसेज में
बस मार्शल तैनात हैं और डीटीसी बसों में 92% बसेज में बस मार्शल्स तैनात हैं। पीडब्ल्यूडी के टोटल इंडिकेटर्स जो हैं वो 60 हैं और इसमें से 77% जो इंडिकेटर्स हैं वो ऑन ट्रैक हैं। अगर हम की अचीवमेंट्स की अगर अध्यक्ष जी बात करें पीडब्ल्यूडी के, तो आपको अध्यक्ष जी याद होगा कि हमने वादा किया था कि पूरे दिल्ली में विशाल जो हैं तिरंगे झंडे लगाए जाएंगे और 500 ऊंचे विशाल झंडे पूरी दिल्ली में लगे और दिल्ली आज के दिन तिरंगों का शहर बन गया है। आम जनता की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्थलों पर 2,06,000 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। आश्रम फ्लाईओवर से DND फ्लाईओवर तक फ्लाईओवर के विस्तार का काम पूरा हो चुका है। दिल्ली की सड़कों पर यूरोपीय सड़कों की तर्ज पर जो 16 स्ट्रेच हैं उन पे काम पूरा हो रहा है। जल बोर्ड के टोटल इंडिकेटर 61 हैं और उनसे 66% इंडिकेटर्स ऑन ट्रैक हैं। जल बोर्ड की कुछ जो की अचीवमेंट्स हैं, 21-22 में 929.13 MGD का हमारे यहाँ पानी का प्रोडक्शन था और वो 2022 में अब 995 हो गया है, लगभग 65 MGD का प्रोडक्शन बढ़ा है अध्यक्ष जी। दिल्ली जल बोर्ड के 27,34,000 जो कंज्यूमर्स हैं उनमें 73% घरेलू कंज्यूमर्स को पानी की सब्सिडी मिल रही है। अनऑथोराइज कॉलोनी में जो बिछाई गई पानी की पाइपलाइन की लंबाई बढ़कर 5,300 किलोमीटर कर दी गई है। अब 97% अनऑथोराइज कॉलोनी में पाइपलाइन से जलापूर्ति हो रही है। गुणवत्ता के लिए लगभग 16,000 पानी के सैंपल का टेस्ट किया गया है, इसमें 97% सैंपल मानकों पर खरे पाए गए हैं। वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट अध्यक्ष जी के टोटल इंडिकेटर्स 68 हैं और इसमें से 71% इंडिकेटर्स जो हैं वो ट्रैक पे हैं। वुमेन एंड चाइल्ड की जो की अचीवमेंट्स हैं डिपार्टमेंट की, 2022-23 में लगभग 3,47,000 महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता दी जा रही है, यह पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 35,000 से अधिक है। 6,38,000 बच्चे और गर्भवती महिलाएं, माताएं आंगनवाड़ियों के माध्यम से पोषण टीकाकरण स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त कर रही हैं। लाडली योजना के तहत 31,743 लड़कियों का नामांकन हुआ। वर्ष 2022-23 की तीसरी तिमाही तक लगभग 21,000 मेचोरिटी केसेस का भुगतान किया जा चुका है। अध्यक्ष जी, नेक्स्ट जो एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इसके 79 टोटल इंडिकेटर्स हैं और 73% इंडिकेटर्स जो हैं वो ऑन ट्रैक हैं। कुछ मेजर जो अचीवमेंट्स रही, इसमें जो पोल्यूटिंग यूनिट्स हैं उसका लगातार ऑनलाइन मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग चल रही है। वन क्षेत्र में 10,78,000 पौधे लगाए गए हैं। प्रदूषण विरोधी मानदंडों के उल्लंघन की ग्रीन दिल्ली ऐप पर आई 75% शिकायतों का निर्धारित समय अवधि के भीतर समाधान किया गया है। प्रदूषण के विभिन्न कारणों की रियल टाइम पर पहचानने के लिए IIT कानपुर, IIT दिल्ली और टेरी के सहयोग से आधुनिक लैब स्थापित की गई है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म डिपार्टमेंट के टोटल इंडिकेटर्स अध्यक्ष जी 13 हैं और इसमें से 77% जो इंडिकेटर्स हैं वो ऑन ट्रैक हैं। कुछ की अचीवमेंट्स AR डिपार्टमेंट की, सार्वजनिक सेवाओं की डोरस्टेप डिलीवरी के तहत 82,684 सर्विस रिक्वेस्ट को पूरा किया गया है। PGMS के तहत प्राप्त 96,000 शिकायतों में से 84,000 शिकायतों का निवारण किया गया है। RTI के माध्यम से लगभग 38,000 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें से लगभग 24,000 को 30 दिनों के भीतर रिजॉल्व किया गया है। अध्यक्ष जी, यही मेन अचीवमेंट्स हैं आउटकम और आउटपुट बजट की। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली का व्यापक आउटकम बजट पूरे देश में एक अनूठी बजटीय पहल है। यह न केवल आम लोगों
और हमारे विभागों के लिए प्रभावी दस्तावेज है, बल्कि परियोजना को और बेहतर कैसे बनाया जाए इसका अध्ययन करने वाले रिसर्चर के लिए भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज भी है। यह माननीय मंत्रियों एवं उच्च अधिकारियों द्वारा समय समय पर स्कीम कार्यक्रमों की प्रगति की ट्रैकिंग के लिए एक प्रभावी साधन है। इस पहल को और प्रभावशाली बनाने के लिए योजना विभाग ने डायलॉग और डेवलपमेंट कमीशन ऑफ दिल्ली के समर्थन से एक आउटकम बजट डैशबोर्ड भी विकसित किया है। डैशबोर्ड से अध्यक्ष जी जो उसका मेन एडवांटेज होगा कि आप रियल टाइम में और कम समय में जितने भी हमारे इंडिकेटर्स हैं उनको आप उनको ट्रैक कर सकेंगे और जान सकेंगे कि कौन सा डिपार्टमेंट किस लेवल पे परफॉर्म कर रहा है। जो सभी योजनाओं पर रियल टाइम निगरानी रखने और पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने में सक्षम होगा, यह आउटकम बजट की प्रभावशीलता को और बढ़ाएगा। आउटकम बजट 2023-24 तैयार करने का प्रयास योजना विभाग द्वारा जल्द ही शुरू किया जाएगा। आउटकम बजट की कॉपी सभी मान्य सदस्यों को भेजी जाएगी। इसे योजना विभाग के वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब श्री गोपाल राय जी माननीय विकास मंत्री उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करें।